हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। आज हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए जो परमेश्वर सभी को जिंदा रखा। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को टाइम निकाल के थोड़ा बहुत देख लेना, आपकी मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, मेरा कब आना होगा, मैं कब आऊँगा तुम नहीं जानते हो, वह समय वह घड़ी कब की हो सकती है। यीशु ने कहा है, जैसा रात को चोर आता है चोरी करने के लिए, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, वैसे ही यीशु मसीह आएगा। कोई तो उस समय पाप कर रहा होगा, कोई तो उस समय व्यभिचार कर रहा होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा होगा, जो उस समय तैयार होगा, जो अपनी तैयारी बना के रखा होगा, वही स्वर्ग में जाएगा। उसी को यीशु मसीह स्वर्ग में उठाकर लेकर जाएगा, बाकी सब को यहीं छोड़ देगा, कचड़ा बटोर के परमेश्वर स्वर्ग नहीं ले जाएगा। यीशु मसीह महान है और जीवित है। यीशु मसीह किसी को नाश नहीं करना चाहता, मगर आज मनुष्य पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो उसमें परमेश्वर क्या करे। सुधर जाओ भाई, बचा लो। कब तक गंदे काम करते रहोगे, कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे, कब तक लड़कियों से बात करते रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे, क्या अंत नहीं, अंत है सब पापों का, अंत है। सुधर जाओ और लौट आओ, बचा लो अपने आप को। परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है, टाइम दे रहा है, क्योंकि समय कम है। यीशु मसीह आने वाले, परमेश्वर अचानक आएगा, यीशु मसीह का अचानक होगा मेरे प्रियजनों। इसलिए यीशु मसीह आपको समय देता है। यीशु ने कहा है, ना तो पुत्र को पता है, ना तो स्वर्ग के दूतों को पता है, मेरा कब आना होगा, मैं कब आऊँगा। याद रखना, न्याय के दिन वहाँ सबकी ढोल सबकी पोल खुल जाएगी। यीशु ने कहा हमारा मत्ती 12 का 36 वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो मनुष्य निकम्मी बात कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के सामने न्याय करेगा परमेश्वर। जो मुख से जो लोग गंदी बातें निकालते हैं, गालियां देते हैं, चुगली करते हैं, तो यहाँ पर हर एक इंसान अपने मुख से प्रभु के सामने लिखा देगा, जो आपने पाप किया, व्यभिचार किया, बुराई की है, आपने छिप के पाप किया है, ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है। जो इंसान मनुष्य परमेश्वर से छिप कर पाप करे, व्यभिचार करे, गुनाह करे, ऐसा स्थान समय परमेश्वर ने उसका नहीं ठहराया है। जो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा, जब उसका न्याय करेगा परमेश्वर, तब वही लिस्ट खोल के दिखाया जाएगा। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पाप करने में, व्यभिचार करने में, सेक्स वीडियो देखने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है। याद रखना, जब आपको दूसरी मृत्यु दी जाएगी, तब वही एक दूसरे को लबी लबू कहना और खूब सेक्स वीडियो देखना, उस समय इतना हाहाकार मचा होगा। अरे सुधर जाओ, उस समय की बात है, जब यीशु मसीह एकांत में बैठे थे, तो चेलों ने आकर यीशु मसीह से अलग आकर कहने लगे, हे गुरु, हे स्वामी, तेरे आने का और तेरे जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, मुझे बता दे। परंतु यीशु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु ने ये बात पहले कही थी कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मेरे प्रियजनों, समय है पापों से मन फिराओ, तोबा करो और लौट आओ। परमेश्वर आपको मन को बदलेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। मन फिराओ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गुड लक।